नमस्कार दोस्तों, आज 27 अप्रैल 2022 दिन बुधवार। दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या कुछ बाजार चला, आलू की कितनी गड़ी है, क्या पोजीशन है आज की, आलू की क्या बिक्री खुली। नमस्कार सर जी। सर जी आज का क्या बाजार खुला जी, कितनी गाड़ी है, कितनी बैलेंस? आज 77 गाड़ी की टोटल आमदनी है। हाँ जी, जिसमें 44 गाड़ी भाई साहब कल की खड़ी है। ओ थरीगा, क्या ये क्या बात हुई है? सब्जी थोड़ी मंदी हो गई है, थोड़ी गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बिक्री कम है। हाँ सबसे बड़ी बात है क्वालिटी नहीं आ रही है। अच्छा, जितने जी। भी आलू आ रहे हैं कोठे के थोड़े मुलायम हो गए हैं। हाँ जी, और शमशाबाद का आलू अगले दिन दागी हो रहा है बहुत जल्दी। हाँ जी, और जो कोल्ड स्टोर की 17-18 गाड़ी आ रही हैं। हाँ जी, वो उनमें क्या है, सब होली के बाद के हल्के आलू आ रहे हैं। होली के बाद जो के हैं दागी हैं, किसी में 1 किलो है, किसी में 2 दाने हैं, किसी में 4 दाने हैं, किसी में कुछ है। हाँ जी, कोई लंबी सेब का है बढ़िया, मासिक घोर को आलू बिल नहीं रहा। अच्छा जी, बढ़िया आलू का भाव है 650 रुपये का, 750 का। ये कौन से वाली का जी, कौन सा ब्रांड? ये कोल्ड स्टोर के, कोल्ड स्टोर। अच्छा जी, मगर बढ़िया पूरी मार्केट में नहीं है जी। हाँ जी साहब, टोटल हल्के आलू हैं, 17 गाड़ी कल की खड़ी है स्टोर की जी। स्टोर की 18 गाड़ी आज की दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल अरेवल एक ही गाड़ी की है ये जो आपके पास आई जी। चलो जहाँ जी भी आई हाँ है जी, हाँ जी। और वो भी जो है वो भी हल्की आई है, वो भी ऐसी आई है 580-600 की रेंज की। अच्छा जी, हल्के आलू आ रहे हैं भाई साहब। अच्छा, बढ़िया आलू कस्टमर को नहीं मिल पा रहा। हाँ, ये चिप्सोना है, चिप्सोना बढ़िया है। हाँ जी, ये जो है सासनी का चिप्सोना है, 710 रुपये का बिका, 725 बिका परचून में। हाँ जी, और जो चंदौसी वाले हैं वो 800 रुपये के बिक रहे हैं। अच्छा जी, इनका थोड़ा साइज छोटा है। हाँ जी, थोड़ा जाल भी कम है। हाँ जी, साफ सुथरा है, ये बिक रहा है। ये देखो साहब के सामने गाड़ी में तुल रहा है। हाँ जी, और 3797 का क्या चल रहा है? 3797 600 रुपये की रेंज है ये, देखो जी 600 रुपये। हाँ ये देखो, एक दो तीन गाड़ी हैं। अच्छा, एक गोल टाइप का जो आलू है इनकी पकड़ ज्यादा है 3797 में। 3797 इसकी, ये इसकी क्या रेंज होगी? ये भी 650-650 इस रेंज का है। अच्छा जी, जो लंबी सेफ में होता है उसे जरा कम पकड़ते हैं। हाँ जी, गोल सेफ वाले को जरा ज्यादा पकड़ते हैं, ज्यादा पसंद। और सूर्या की क्या पोजीशन चल रही है? सूर्या भी इतना नहीं निकल रहा भाई साहब, एक आध गाड़ी चंदोसी मदोसी की आ रही है, वो 800 रुपये के करीब बिक रहा है। अच्छा जी, और LR का जी? LR जो है कम हो गया, अब हाँ नहीं आ रहा, 2-4-5 गाड़ी आ रहा है। हाँ जी, LR के बारे में वो आप 311 वाले से पूछो, वही बताएंगे जी। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, कोई बात नहीं। मेरा तो जो है स्टोर का जा रहा है। पंजाब वाला जी है? पंजाब वाला 450-450। चित्री की शिकायत है पंजाब का, बढ़िया माल नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या जी, जो पंजाब का जो आलू है वो वही लोकल में खाया जा रहा है। हाँ जी, हर साल आता था वैसे तो। हाँ, हर साल 50-60 गाड़ी 80 गाड़ी 100 गाड़ी आती थी। हाँ जी, मगर इस साल लोकल में राशन कम था। हाँ जी, वही 500 रुपये का भाव है तो वही बिक रहा है। अच्छा जी, जो उसका नहीं बिक पाया या किसी कारणवश कोई मजबूरी है तो वो दिल्ली ले आया, वो 5-7 गाड़ी दिल्ली आ रही है, उनमें भी चित्री वित्री वाला है। हाँ जी, बढ़िया माल नहीं है, रिजेक्टेड आलू बढ़िया तो वही बिक रहा है जी लोकल भाई। यानी जो मंडी में अब बढ़िया माल की शॉर्टेज है, बढ़िया माल की शॉर्टेज, वो माल आ रहा है जो दागी हो रहा है यूपी से। हाँ जी, कोठा देखो आप, कोठा कितना लूज आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये कोठे का आलू है वो ही आ रहा है जो लूज हो गया। हाँ जी, हाँ बढ़िया जी, कोठे हाँ जो है वो तकरीबन अब समाप्ति की तरफ है, तभी ये बैलेंस बढ़ा जी मंडी, तभी ये बैलेंस है। अब धीरे धीरे स्टोर का बढ़िया आलू निकलना शुरू होगा। हाँ जी, सही होगा। धन्यवाद सर जी, आलू निकालते रहना चाहिए। आलू मैं फिर कह रहा हूँ, पिछले साल से 10-15% आलू अधिक है, आलू का भाव ये रुकेगा नहीं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो आलू को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहे, जहां पर भी पोजीशन लगे जी, जहां भी में भी फायदा हो जी, में जगह पे जहां भी उनको पैसे मिले, भाव मिल जाए, 150 रुपये कमती पड़ती ना देखें, आलू को बेचते रहने में 150 रुपये कट्टे का मार्जिन मिले, 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो घाटा हो, नफा हो, दाम के दाम हो रहे हो, आलू को बेचते रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, आलू को बेचने में फायदा है, पिछले साल से 10-15% आलू अधिक है। अच्छा जी, अगर किसी विदेश की या किसी स्टेट की मांग नहीं निकली तो आलू के पैसे पूरे होने भारी हो जाएंगे। अच्छा जी, लास्ट में जी, हाँ आलू को बेचते रहना चाहिए। अब तो जब आगे परमात्मा मालिक है, कोई पंजाब लेट हो जाए, किसी बाहर देश की डिमांड निकल जाए, कहीं कुछ घटना दुर्घटना हो जाए, वो हाँ बात हाँ। दूसरी। अच्छा, व्यापार के आंकड़ों के हिसाब से आलू का पोजिशन भविष्य अच्छा नहीं है। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबका दोस्तों आप अपना तजर्बा होता है, ये भी कभी काफ़ी सालों से मंडी में काम कर रहे, वैसे एक तजर्बा देखा है इन्होंने, 2-3 बार जो पहले मुझे जो भी भविष्यवाणी करी वो बिल्कुल ठीक हुई। अब देखते हैं कैसी रहेगी ये वाली।